हेलो दोस्तों, आज दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी खबर बनी हुई है। जहां भी जाइए वहां बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वास्तव में अगर देखें तो हर व्यक्ति को यह जानना बहुत जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। सरल भाषा में कहें, आज मशीन के जरिए हम एक ऐसी बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकते हैं कि जो मनुष्य सामान्य तौर पर काम नहीं कर सकते, उस काम को हम मशीन के जरिए कर सकते हैं। ऐसा पिछले कई दशकों से किया भी जा रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अभी कोविड के टाइम में वैक्सीन के डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप एविएशन टेक्नोलॉजी को देख लीजिए, आप रेलवे को देख लीजिए, इवन फार्मेसी को देख लीजिए, हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है। साधारण शब्दों में रोबोटिक साइंस कह लीजिए, मशीन लर्निंग कह लीजिए, हम मशीनों को इस तरह से विकसित करना चाहते हैं जिसके पास एक ऐसा आर्टिफिशियल ब्रेन हो जो हमारी डेली दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। इसके लिए हमें ऐसे ह्यूमन ब्रेन की जरूरत है जो इस तरह के पैटर्न को बनाए, इस तरह के एल्गोरिथम डेवलप करे, ताकि जो भी समस्याएं हमारे पास हैं वह एग्जाम्पल के माध्यम से पहले हम उनकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जरिए उनको डेवलप करें, प्रोग्राम बनाएं, और उसके बाद एक सिस्टम को इस तरह से ट्रेन करें कि वह उन सभी एल्गोरिथम को फॉलो करके कुछ नए नए सॉल्यूशन बनाने में हमारी मदद करें। जैसे कि आप देख भी रहे हो कि हॉलीवुड की जितनी फिल्में आज बनती हैं, इवन भारत में भी जो फिल्में बन रही हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छे से प्रयोग हो रहा है। यानी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, एविएशन में, ट्रांसपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होने लगा है, और इसका आने से हमारे लिए एक नया युग की तैयारी शुरू हो गई है। अब शिक्षा जगत में खास तौर पे भारत सरकार ने भी ये प्रावधान रखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ताकि फंडामेंटल लेवल पर हमारे नौनिहालों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कुछ तैयार किया जाए। इसके लिए हमें बेसिक ज़रूरत क्या होगी, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए, और प्रोग्राम बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर हमें आज से ही काम करना होगा, ताकि हमारे स्टूडेंट्स में इस तरह की क्षमता विकसित हो कि वो नए नए आइडिया को लेकर आगे आए। जैसे कि आप देख रहे होंगे आज ई बिजनेस, ई कॉमर्स इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी इसी पर काम कर रही है। तो हमारा देश किसी अन्य देश पर निर्भर न रहे, हमारे देश का जो बौद्धिक क्षमता है, हमारे देश का जो ब्रेन है, इसके लिए हमारे पास अगर संसाधन हो जाए तो हम यह काम आसानी से कर सकते हैं।